स्ट्रैप, ठीक है, चेरी ऑन द टॉप। अच्छा, बूट स्ट्रैप जो है वो बहुत आसान सा टॉपिक है, क्योंकि बूट स्ट्रैप के अंडर द हुड जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब हम पढ़ चुके हैं। सही है। तो हम ज़रा सा देख लेते हैं कि ये एक होती है चीज़ फ्रेमवर्क। सही है, फ्रेमवर्क। वैसे तो डेफिनेशन इसकी अलग है, लेकिन मैं एक आसान लफ्ज़ों में आपको फ्रेमवर्क समझाना चाहूँगा कि फ्रेमवर्क क्या होता है। कि जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, सैलानी ऐसे लिखा हुआ है। अब अगर ये ब्रश से लिखना पड़े हाथ से, तो ये लिखने में कितना टाइम लगना चाहिए एक एक्सपर्ट पेंटर को? 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लग सकता है उसको, डिपेंडिंग ऑन कि इसमें कितने कलर यूज़ किए जा रहे हैं और कितना बड़ा साइज़ है, कितना एक्यूरेसी चाहिए इसके अंदर। अगर बिल्कुल ही रफ सा लिखना है तो शायद उसको 10 मिनट 15 मिनट लगे, बहुत अच्छा सा लिखना है तो शायद 1 घंटा लगे। ऑन अदर एंड आपने देखा होगा कि एक खाका बना हुआ होता है, टेम्पलेट बना हुआ होता है, पेपर होता है इतना बड़ा सा, उसमें बीच में कटिंग हुई भी होती है सैलानी से। अच्छा, उसको जस्ट रखते हैं दीवार पे और यूँ स्प्रे पेंट मारते हैं, सैलानी छप जाता है पीछे। अच्छा, उसमें दो कलर तीन कलर वाले भी होते हैं, एक तो सिंगल कलर वाला होता है ना, एक दो तीन कलर वाले भी होते हैं। कि एक में जैसे ये उर्दू में जो सैलानी लिखा हुआ है ये ग्रीन से लिखा हुआ है, और उसके पड़ोस में जो वो बाकी ब्लू से लिखा हुआ है, तो दो खाका होते हैं, एक रख के ग्रीन कलर मारते हैं फिर दूसरा रख के ब्लू कलर मारते हैं, तो वो छप जाएगा। अच्छा, एक्यूरेसी शायद उसमें बहुत ज़्यादा 100% जैसी तो नहीं होती है, लेकिन बहुत कम भी नहीं होती, एवरेज होती है, एवरेज एक्यूरेसी होती है। फिर उसमें एक तो होता है रखने वाला, एक होता है चिपका के मारने वाला। जो चिपका के मारते हैं उसमें तो एक्यूरेसी भी 100% होती है, शार्प एजेस होते हैं, फिर कलर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस डिपेंडिंग ऑन दैट वो बहुत अच्छा बन जाता है। और शायद उसमें डिस्टिंग्विश करना भी मुश्किल होता है कि कौन सा वाला हाथ से लिखा गया और कौन सा फ्रेमवर्क के ज़रिए किया गया है। तो अब समझ आए कि फ्रेम क्या चीज़ है। तो एक फ्रेम होता है, आप उस फ्रेम के अंदर रह के काम करते हैं, और उस फ्रेम में आपके लिए कुछ फंक्शनैलिटीज़ मौजूद होती हैं, पहले से बनी हुई होती है, आप उस पर जैसे स्प्रे मारते हैं और आपका काम हो जाता है। अच्छा, ये फ्रेमवर्क सिर्फ यहाँ पे पेंट में नहीं होता है सर, ये बहुत सारी जगहों पे होता है। आप अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएंगे तो ये फ्रेमवर्क सब जगह पे होता है। मिसाल के तौर पे दोस्त ने जो ये कमीज़ पहनी हुई है, इस पर ये पत्ते बने हुए हैं साइड में एम्ब्रॉयडर्ड, ये पत्ते एग्जैक्टली सारे एक जैसे हैं। अगर आप नोट करेंगे ना, ये जितने भी पत्ते बने हुए हैं इनके शर्ट पे, ये सारे एक जैसे हैं, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये फ्रेमवर्क पे काम हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड है एक्चुअली। तो एम्ब्रॉयडरी की मशीन में एक बार वो पता नहीं ऑटो कैड पे बनाते हैं किस पे बनाते हैं, वो एक बार बना देते हैं, उसके बाद जस्ट आप कपड़ा रखते हैं उसको उसी एग्जैक्टली उसी जगह पे बनाते हैं वो, और उतने ही साइज़ का बनाते हैं। ठीक है, तो एक बार जस्ट उसको प्रोग्राम करना होता है उस मशीन को, वो उसके बाद बनाता रहता है उसी को। अच्छा, इसी तरीके से आप जैसे रबर स्टैम्प होता है, रबर स्टैम्प में भी यही होता है कि जैसे यहाँ पे मोहर लगी होगी आपके आईडी कार्ड पे सबके, उस पर वो एक दफ़ा रबर की मोहर तैयार कर लेते हैं, उसके बाद जस्ट इंक पे रखते हैं उसको और मारते हैं, हो जाता है। हमारे स्कूल में जब एग्ज़ाम होते थे हमारे, तो उन्होंने ना इतना बड़ा रबर स्टैम्प बनाया हुआ था, 6-7 इंच और चौड़ा और 3-4 इंच लंबा, ऐसा वो कार की जो एलसीडी होती है ना कार में लगी हुई, उतना बड़ा रबर स्टैम्प था उनके पास। अच्छा, उससे करते क्या थे, वो रफ़ पेपर लेते थे, जो जस्ते वाला पेपर होता है ना बुक स्टॉल से, वो लेकर आते थे और उसमें 3-3 4-4 को इकट्ठा करके और उसको स्टैपल करते थे, और उस पर वो स्टैम्प मारते थे, नाम, रोल नंबर, फादर नेम, सब्जेक्ट, ये वो एक्स वाई जेड सारा। तो उनकी वो एक कॉपी तैयार हो जाती थी अच्छे स्टैंडर्ड वाली, उस पर उस स्टैम्प में स्कूल का मोनोग्राम भी होता था, उसमें डेट का कॉलम बना होता था, नीचे साइन के 2-3 कॉलम बने होते थे। तो हमारे स्कूल में वो इस तरह करते थे, तो दैट वॉज अ टेम्पलेट, दैट वॉज अ फ्रेमवर्क। वो एक दफ़ा उन्होंने मेहनत करके बना ली वो रबर, उसके बाद वो उसको जस्ट यूज़ करते हैं, और जितने दिन मैं स्कूल में पढ़ता रहा वो एक ही स्टैम्प थी, वही इस्तेमाल होती थी। फिर बाद में उन्होंने शायद दो बना लिया जब उनके बच्चे बच्चे थोड़े इंक्रीज़ हो गए जब। तो जब हम फ्रेमवर्क पे काम करते हैं तो उससे बेनिफिट क्या देखा आपने, हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, अच्छा, लेकिन उसके साथ एक उसका जो डाउन साइड वो ये है कि आपको उसी फ्रेमवर्क में रह के काम करना होता है फिर। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ आप चाहते हैं जो उस फ्रेमवर्क में मौजूद नहीं है, तो आपको या तो दूसरे फ्रेमवर्क पे मूव करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे जैसे मेरे स्कूल में जो स्टैम्प इस्तेमाल होता था, उसमें अगर इनविजिलेटर के सिग्नेचर का उसने बनाया हुआ था और स्टूडेंट सिग्नेचर का, कि जो स्टूडेंट है वो साइन करेगा, इनविजिलेटर करेगा, लेकिन कॉपी चेक करने वाला जो है उसके साइन का कॉलम अगर मिसाल के तौर पर उसमें नहीं बनाया शुरू में, तो वो बाद में ऐड
नहीं किया जा सकता, उसके लिए वो पूरा स्टैम्प दोबारा बनेगा, या मतलब स्टैम्प चेंज करना पड़ेगा, यानी फ्रेमवर्क चेंज करना पड़ेगा। हाँ, तो अब मिसाल के तौर पे उस स्टैम्प का V2 आएगा, है ना, सेकंड वर्जन आएगा उस स्टैम्प का, उसमें वो चीज़ मौजूद होगी, उसमें वो हो सकता है। लेकिन फौरी तौर पे अगर उस स्टैम्प से मैंने 200 कॉपियाँ रेडी करनी है, तो उन 200 में अगर मैं वो ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता, या तो मुझे हाथ से करना पड़ेगा सब में जाके, जो कि टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग चीज़ आ गई तो फ्रेमवर्क का फिर फ़ायदा ख़त्म हो गया। तो ये इसकी जो है ना, यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है। ये मैंने दोनों चीज़ आपको बता दी, ये फ्रेमवर्क क्यों बने और अगर कोई फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है तो उसका क्या रीज़न हो सकती है। अच्छा, तो हमारे पास जो ये बूट स्ट्रैप है, दिस इज़ द फर्स्ट फ्रेमवर्क दैट यू आर गोइंग टू यूज़। ये CSS का फ्रेमवर्क है। आपने जैसा कि देखा है, हमने लास्ट जो जब हम फ्लैक्स बॉक्स पढ़ रहे थे तो हमने एक नेविगेशन बार बनाया था, और हमने जो है ना एक साइनअप का लॉगिन का फॉर्म शायद बनाने की कोशिश की थी, नहीं बनाया था शायद, वो किसी और क्लास में बनाया था। तो लॉगिन साइनअप का फॉर्म आपको बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है। आप अगर कोई टेबल में डेटा डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं तो टेबल तो होती है HTML के अंदर, बट उस टेबल में आपको बॉर्डर वॉर्डर डाल के, कलर वगैरह डाल के उसको थोड़ा अच्छा सा बनाना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा CSS का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि आपको वो पूरा नेविगेशन बार बना हुआ मिल जाए, और इसी तरह बहुत सारी जो कंपोनेंट्स आपको पूरे पूरे बने हुए मिल जाएं और आपने जस्ट उसको प्लेस करना है, तो आपका इसमें काफ़ी टाइम बचेगा। अच्छा, तो ये CSS का जो फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप, ये एग्जैक्टली यही काम करता है। अच्छा, बूटस्ट्रैप इज़ नॉट द ओनली फ्रेमवर्क, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम बूटस्ट्रैप इसलिए पढ़ रहे हैं, पहली बात ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी बात, जिस तरह से ये काम करता है ना, बाकी फ्रेमवर्क भी ऑलमोस्ट इसी तरह काम करते हैं, ठीक है। तो एक फ्रेमवर्क आप सीख जाएंगे तो बाकियों का भी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चल क्या रहा है अंडर द हुड। अच्छा, बूटस्ट्रैप जो है वो ट्विटर वालों ने बनाई थी अपने लिए, ठीक है। ट्विटर उस वक्त एलन मस्क के पास नहीं था, किसी और के पास था, तो उस वक्त इन्होंने अपने लिए बनाई थी, आज से कोई पता नहीं 10 साल पहले शायद। तो फिर उन्होंने बोला कि यार इसको हम ओपन सोर्स कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसा भी कई दफ़ा हुआ है, रिएक्ट के केस में भी यही है। रिएक्ट फ्रेमवर्क जो है, अभी हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें भी यही हुआ कि वो फेसबुक ने अपने लिए बनाया था, बाद में उसको पब्लिक कर दिया। तो ये ट्विटर वालों ने बनाया था, इसका नाम ट्विटर बूटस्ट्रैप हुआ करता था शायद पहले, अभी इन्होंने थोड़ा सिर्फ बूटस्ट्रैप कर दिया। अच्छा, हम इसमें गेटिंग स्टार्टेड हुआ करता था, वो क्यों नहीं आ रहा नज़र। हम डॉक्स में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टॉप पे ना डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, तो हम इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलते हैं और गेटिंग स्टार्टेड तलाश करते हैं। हमें किसी भी फ्रेमवर्क का, किसी भी लाइब्रेरी का, या किसी भी लैंग्वेज का, जो हमें जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं काम उसके ऊपर, तो उसके डॉक्यूमेंट्स में हमें गेटिंग स्टार्टेड नाम का एक सेक्शन होता है, मिलता है हमें, सही है। और वो इंटेंशनली इसलिए बनाया जाता है कि अगर कोई पहली दफ़ा आ रहा है इस वेबसाइट पे या इस फ्रेमवर्क पे काम करने के लिए, तो वो गेटिंग स्टार्टेड में उसको एक हेलो वर्ल्ड बना के दिखाया जाता है, उसको वो इंस्टॉल कैसे होगा, वो चलेगा कैसे, उसकी सारी इंस्ट्रक्शन होती है गेटिंग स्टार्टेड। तो ये गेटिंग स्टार्टेड, अब इन फ्यूचर आप बूटस्ट्रैप के अलावा किसी दूसरे फ्रेमवर्क पे जाते हैं, अगर उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी गेटिंग स्टार्टेड इसी तरह मौजूद होगा, ठीक है। ये एक जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में ये गेटिंग स्टार्टेड समझ लें एक रिवाज है, हर डॉक्यूमेंट में इसको रखा जाता है। अच्छा, तो गेटिंग स्टार्टेड में ना ये 4-5 चीज़ें इन्होंने डिस्कस की हुई है। एक तो इंट्रोडक्शन है, डाउनलोड कैसे होगा यानी इंस्टॉल कैसे होगा, कंटेंट्स क्या किया है इसके अंदर, ब्राउज़र और डिवाइसेस के बारे में कुछ बात की जा रही है, जावास्क्रिप्ट हमने पढ़ा नहीं है, तो हम ये 2-3 शुरू के देख लेते हैं, डाउनलोड कैसे होता है और हम हेलो वर्ल्ड बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये है क्विक स्टार्ट, इन्होंने जिक्र किया है। ये कह रहे हैं कि भाई आप ना एक सिंपल सा जो HTML की फ़ाइल होती है ना, वो आप बना लें। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। कह रहा है कि इसमें ना आप बूटस्ट्रैप की CSS की फ़ाइल, ये देखो यहाँ ऐसे लगाई हुई है इसमें, और ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल यहाँ पे लगाई हुई है। जावास्क्रिप्ट अभी हमने शुरू नहीं किया, और ये जावास्क्रिप्ट आपने यूज़ भी नहीं करनी है, ये बिहाइंड द सीन बूटस्ट्रैप इसको खुद यूज़ करने के लिए लगवाया हुआ है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम अपने कोड में आते हैं, और अपने कोड में आके हम जल्दी से एक नई फाइल बना लेते हैं। अच्छा, CSS में आके मैंने कहा कि
सही है, बूटस्ट्रैप, और इसके अंदर मैं एक index.html बना लेता हूँ। index.html में एक बेसिक मैंने html लिख लिया। बेसिक html लिखने के बाद मैंने यहाँ से आके ये लिंक कॉपी किया इसका, सही है, लिंक पेस्ट हो गया। और उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट कॉपी किया मैंने, और जावास्क्रिप्ट को हमेशा हमें कहाँ रखना होता है, बॉडी के आखिर में रखना होता है, राइट। तो लिंक को हम हेड में रखते हैं जो CSS का लिंक होता है, और जावास्क्रिप्ट को हम बॉडी के आखिर में रखते हैं। तो अब ये क्यों रखते हैं हम जावास्क्रिप्ट को बॉडी के आखिर में, ये इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट के टाइम पे डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ना आपका जो सेटअप था वो कंप्लीट हो गया। कह रहा है हेलो वर्ल्ड, ओपन द पेज इन योर ब्राउजर ऑफ योर चॉइस एंड यू बूटस्ट्रैप पेज, यू विल नाउ कैन स्टार्ट दिस दिस दिस। अच्छा, अब कह रहा है कि अब आप जाएं कंपोनेंट्स में, और कंपोनेंट्स में जाके ना कोई भी कंपोनेंट उठा के प्लेस करेंगे तो वो आपको नजर आएगा। ठीक है, ये दो लिंक जो उसने ऊपर बताए हुए थे वो यहाँ अलग से भी लिखे हुए हैं। ठीक है जी। सर नवाज कह रहे हैं जी, अभी छोड़ दो। अच्छा, ये डाउनलोड वाला तो इसने बता दिया पहले ही। अच्छा, डाउनलोड में शायद ये एक तो हमने CDN वाला लिंक लगाया ना कि क्लाउड से डायरेक्ट उठ कर आ जाए, डाउनलोड में ये होगा, वो फाइल मुझे ये डाउनलोड करके दे देगा और मैं अपने पास क्या करूँगा, उसको फोल्डर में सेव कर लूँगा। जैसे हम खुद की जावास्क्रिप्ट की या CSS की फाइल लिखते हैं फोल्डर में और उससे अटैच कर रहे होते हैं, वैसे करके मैं यहाँ पर लिख लूँगा। अच्छा, अब ये CDN लगाने में और फाइल डाउनलोडेड फाइल को अटैच करने में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को पता है। फॉन्ट वाले में हमने ये डिस्कस किया था कि फॉन्ट की फाइल अगर क्लाउड से उठ के आ रही है या मेरे फोल्डर में सेव है तो उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस लोड उतने ही टाइम पे होगा, बट अगर आपके खुद के फोल्डर में है तो आप किसी दूसरे क्लाउड पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, आप अपने क्लाउड पर डिपेंडेंट होंगे। अच्छा, तो ये जो डाउनलोड होके आई है ना फाइल, ये सारी की सारी फाइल्स आ गई हैं। अच्छा, इसमें इन्होंने जो CSS की फाइल्स हैं जितनी भी, वो अलग अलग भेजी हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग भेजी हैं। तो इसमें ये भी एक बेनिफिट मिलेगा आपको कि कौन सी फाइल आपने इंक्लूड करनी है वही करेंगे, सारी फाइल इंक्लूड आप नहीं करेंगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट की भी कुछ डिफरेंट इन्होंने फाइल्स भेजी हैं। वेल, अभी ये डिफरेंट फाइल्स को डिस्कस करने के बजाय हम डायरेक्ट जाएंगे कहाँ पे, कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स ये रहे। ठीक है, मैं दो मिनट भेजता हूँ। कंपोनेंट्स में जाता हूँ मैं, और बटन वाले सेक्शन में आ गया मैं। अब देखो, ये बटन जो इन्होंने लगाना बताया है, बटन टाइप बटन, यहाँ तक तो सही है, नॉर्मल HTML है। उसके बाद एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा है, क्लास। इसमें कितनी क्लासेस लगी हुई हैं, इसमें एक क्लास ये लगी हुई है स्पेस डाल के, एक दूसरी क्लास ये लगी हुई है। ये क्लास हमने बनाई है? नहीं, ये क्लास पहले से बनी हुई थी किसके अंदर, जो बूटस्ट्रैप की हमने CSS की फाइल इंक्लूड की है ना, उसमें ये क्लास पहले से बनी हुई है। और हम अपने अभी VS कोड में, कहाँ गया मेरा VS कोड, ये रहा, यहाँ पे आके मैं इसको बटन को पेस्ट करूँगा। ठीक है, जस्ट इसमें ये क्लास लगी हुई है, दैट्स इट, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये है प्लेन HTML। और अब मैं इसको क्या करूँगा, गो लाइव के बटन पर क्लिक करूँगा, तो ये बटन मेरे पास अब कैसा बना हुआ रहा है, बूटस्ट्रैप में जैसा बटन इन्होंने दिखाया है वैसा बना हुआ रहा है। अगर मैं एक और बटन बनाता हूँ नीचे और इस पर से ये क्लास हटा देता हूँ, तो बटन ये भी नज़र आएगा, बट ये वैसा वाला बटन नज़र नहीं आएगा मुझे जैसा बूटस्ट्रैप में दिखाया गया। ठीक है, ये एक जेनेरिक बटन नज़र आएगा। इसको क्लिक करने से, जो जेनेरिक एक एनिमेट करता है जो बटन वो कर रहा है, इसको क्लिक करने से इसकी एनिमेशन भी थोड़ी सी फ़र्क है। ठीक है, थोड़ी सी एनिमेशन फ़र्क है। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे देखो, जो 6-7 तरह के बटन बताए गए हैं और उन तमाम की क्लास भी यहाँ पे बता दी गई है। अब इन 6 बटन के अलावा कोई 7वीं तरह का बटन आपको बनाना है या कोई 10वीं तरह का बटन बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो फ्रेमवर्क में मौजूद नहीं है, वो आपको खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो गेटिंग स्टार्टेड था आपके बूटस्ट्रैप का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया।